हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन पेशावरी गोश्त। ये नाम से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी लगती है, बट बिलीव मी, ये बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, सिर्फ दो मसालों में ये बन जाती है और बहुत ईजी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो यहाँ हमें गरम मसाले में 2 सिनेमन स्टिक्स चाहिए, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। मैंने तकरीबन 1 पाव गोश्त के करीब लिया है, तो मैंने उसी क्वांटिटी के हिसाब से गरम मसाला लिया है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी गोश्त को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर लूँगी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए गोश्त को बॉईल कर लूँगी। गोश्त को अगर हम गरम मसाले के साथ बॉईल करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जी, तो गोश्त बॉईल हो गया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना बोटियाँ टूटती हैं। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और इस पानी को हम आगे यूज़ करेंगे। अब मैं एक बड़ी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। और मेक श्योर कि सारा गरम मसाला भी आप इसमें डालें और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। और साथ ही इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जो मैंने ऑलरेडी क्यूब्स में काट के रखे थे, वो ऐड करूंगी। और साथ में बारीक कटी हुई तकरीबन 2 हरी मिर्चें। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। अब मैं इसमें गोश्त का वही पानी ऐड करूंगी जो बॉईल करते हुए हमने बचा लिया था। गोश्त गलने में जो कसर रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। जब पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए, तो अब मैं इन्हें स्पून की हेल्प से पीस लूँगी। आप चाहें तो टमाटर का छिलका रिमूव भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल गल जाएंगे। मैं इन्हें इसी तरीके से अच्छी तरह भून लूंगी। जी, तो गोश्त भून चुका है। अब मैं इसमें 4 साबुत हरी मिर्चें ऐड करूंगी। गाइस, इस स्टेज पे अब मैं 1 टेबलस्पून ऑफ बटर ऐड करूंगी। बटर बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, इससे बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब लास्ट माय फेवरेट स्टेप, लेमन। लेमन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेमन के बगैर सारी कढ़ाइयाँ इनकम्प्लीट हैं। जी गाइस, हमारा मज़ेदार सा नमकीन पेशावरी गोश्त रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 2 मसालों में बन जाती है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इट इज़ वेरी इजी, सिंपल एंड क्विक रेसिपी टू मेक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप यू विल लाइक इट। सो इफ़ यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।